रामदास अठावले जी हैं मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आपसे कुछ कहना चाहते हैं जी। तो मैं परिमल जी बताना चाहता था कि ये जो समाज है, समाज चूहे खाता था, अपना पेट भरने के लिए मतलब उनको चूहे खाने पड़ते थे, लेकिन अभी उन्होंने चूहे खाना बंद कर दिया है। लेकिन हमारा जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, उसका जो आश्रम स्कूल होता है, रेसिडेंशियल स्कूल होता है, जो पहली से लेकर हम उनको मतलब पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट उधर, हमारा ट्राइबल की मिनिस्ट्री है वो भी मतलब बच्चों के लिए मतलब पढ़ाई करने के लिए मदद करती है। तो ये समाज के लिए मतलब संगठन करना हमारी नरेंद्र मोदी जी सरकार का ये पहला लक्ष्य है कि स्वस्थ भारत तो ही है, मतलब स्वस्थ भारत मस्त भारत होना चाहिए, और ये तो कोशिश हमारी है ही है। लेकिन ये गरीब हटाने की कोशिश मतलब कई साल से चल रही है, लेकिन गरीब हट नहीं रही है। लेकिन ये समाज को पेट भर का खाना मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान का मुख्य लक्ष्य है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये समाज को खाना पीना खाना मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हमारे मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और उसके लिए मेरे मंत्रालय का बजट इस साल का 1,42,239 करोड़ का सोशल जस्टिस का बजट है, और हम मतलब हमारे गरीब लोगों के लिए हम काम करते हैं। हमारा हॉस्टल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, अनाथालय है, स्किल ट्रेनिंग है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को मदद करते हैं। तो इसी तरह मतलब ये समाज को मदद होनी चाहिए, चाहे वो बिहार का आदमी हो, यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो, जहाँ गरीबी है उसको गरीबी का उन्मूलन करना चाहिए, गरीबी को हटाना है, गरीबों को नहीं हटाना है। और इसीलिए हमारा लक्ष्य है कि गरीबी हटनी चाहिए, और इसके लिए सबका सहयोग मिलना चाहिए। और हमारे माननीय अमिताभ बच्चन जी आज ये प्रोग्राम में उपस्थित है, बहुत बड़ी बात है कि जो NDTV ने जो मतलब बनेगा स्वस्थ इंडिया, और अगर बनेगा स्वस्थ इंडिया तो बनेगा मस्त इंडिया। तो मस्त इंडिया बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना है और गरीबी के विरोध में लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चन साहब, अठावले जी जो हैं उनको रैप जी जी करके अपना संदेश आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और परिमल ये रिपोर्ट हम तक लाने के लिए। अठावले जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके मंत्रालय ने और सरकार ने वो कौन सी ऐसी मुख्य रूप से चुनौतियाँ हैं जिनको चिन्हित करके आप उस पर एक्शन ले रहे हैं, खासतौर से सोशल जस्टिस पे? नहीं, सोशल जस्टिस हमारा मंत्रालय जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, सोशल जस्टिस के साथ उनको एम्पावर करने की जिम्मेदारी हमारे मंत्रालय की है। और उसी तरह मतलब हमारा मंत्रालय मतलब शेड्यूल कास्ट, OBC, DNT, ओल्ड एज के लोग, अनाथ लोग और ट्रांसजेंडर लोग, तो ऐसे सब के लिए मेरा मंत्रालय काम करता है। और मेरे मंत्रालय का पॉपुलेशन कम से कम 85% से ज़्यादा आता है, मतलब इतने SC, DNT, OBC भी उसमें आ जाते हैं। इसी तरह मतलब हमारा मंत्रालय तो ये काम करता है जो गरीबी हटाने का एक बहुत ही बड़ा मकसद हमारा है, और गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को हटाना नहीं चाहिए। और इसीलिए मतलब हमारा एकदम तो परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन हमने 8 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य बनाया है, हमारा पक्ष है गरीबों को उत्थान की दिशा से ले जाने का हमारा है लक्ष्य। तो हमारा लक्ष्य ये है कि भाई हर आदमी को, बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान ने रोटी कपड़ा मकान हर आदमी को खाने के रोटी कपड़ा मकान मिलना ही चाहिए। अगर उनको नहीं मिलेगा रोटी कपड़ा मकान तो कैसा चलेगा उनका दुकान, तो मतलब उनको रोटी कपड़ा मकान मिलना ही चाहिए। इसके लिए हमारी कोशिश है, हमारा हर मंत्रालय जो है, हमारे मनसुख भाई मांडविया जी जो हेल्थ मिनिस्टर है, गुजरात से रहने वाले है, और हेल्थ में मतलब बहुत सारी योजनाएं है, आयुष्मान भारत योजनाएं हमने बनाई है, और उसमें एक फैमिली को 1 साल के लिए 5 लाख रुपये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिलते हैं। मेरे मंत्रालय का एक डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है, उसमें 3.5 लाख रुपए हम उस एक आदमी को देते हैं, जिससे ऑपरेशन हो, उसमें दवा हो, उसको एडमिट करना हो, तो ऐसी बहुत सारी जो स्कीम है उस स्कीम के माध्यम से हम उनको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं।
हर आदमी को हमारे मंत्रालय का वेंचर कैपिटल फंड नाम का स्कीम है, उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 15 करोड़ तक हम लोन देते हैं। NSFDC उसके माध्यम से मतलब हम उनको 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लोन देते हैं, वो अपना धंधा शुरू करते हैं। इसी तरह मतलब बहुत सारी योजनाएं है, उस योजना के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया का जो स्टार्टअप की योजना है, और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भाई देश में सभी लोग आनंदी रहे। अगर उनको आनंद देना है तो हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, और उसी तरह हमारा मंत्रालय और हमारा सरकार जो है, ये सरकार सबका साथ सबका विकास जी। नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये है नरेंद्र मोदी जी का नारा, इसलिए जाग रहा है भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी है अपने देश में चमकने वाला तारा, और हम हमारे दुश्मनों के 2024 में बजा देंगे 12, और इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम सत्ता में आए हैं जी। पटावले जी, आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने देखा किस तरह ये मेडिकल पार्क्स बच्चों के लिए बने हैं, आपका मंत्रालय भी कुछ ऐसा करना चाहेगा? मतलब हमारा मंत्रालय जो है, मंत्रालय तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो मदद तो करते हैं, लेकिन जो हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो मनसुख भाई मंडविया जी वो देखते हैं, उसके माध्यम से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी हम कुछ जगह पर चालू करते हैं। जो हॉस्पिटल चालू करना चाहते हैं उनके लिए मदद भी करते हैं, उनके लिए लैंड देते हैं, उनको अगर लोन चाहिए तो लोन देते हैं। इस तरह का पार्क मैं पूछ रहा था। हाँ, पार्क हाँ, बनाना चाहेंगे आप अपने? हाँ, पार्क का तो पार्क बनाने के लिए विचार कर सकते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पार्क है, जो बच्चे अपने गरीब बच्चे हैं, ऐसे गरीब बच्चों के बस्ती में छोटे छोटे पार्क बनाने के बारे में जरूर हमारा मंत्रालय विचार कर सकता है, और उसके लिए मदद कर सकते हैं।